मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल सुबह कुमारी देसी ब्लॉग में। तो फ्रेंड, मेरा पूजा हो गया और देखिए यहाँ पे बरी रखा हुआ है। इसे भी मुझे धूप में डालना था तो मैंने इसे डाल दिया है। और इधर नित्या की मम्मी अचार डाली है। तो अभी गर्मी का मौसम है तो हम लोग हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ बना ही रहे हैं। और मैंने मीशो से मंगाई है और काफ़ी प्यारी साड़ी है, मुझे बहुत पसंद आ रही है फ्रेंड। और काफ़ी इसका कपड़ा काफ़ी सॉफ्ट है और लाइट वेट भी है और काफ़ी अच्छा है। और मैंने इस पर बनवाया ये वाला ब्लाउज, कैसा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मैं कैसी लग रही हूँ ये भी बताइएगा फ्रेंड। गए हैं 10:30 और मेरा पूजा वगैरह सब हो गया है। और आज बच्चों की छुट्टी है, आज बच्चे घर में ही है क्योंकि आज मंथ का लास्ट डे है। तो इस वजह से यहाँ छुट्टी रहती है स्कूल में। तो मैंने बनाया था सुबह में साबूदाना और कद्दू की सब्जी तो बच्चों लोग का नाश्ता में खत्म हो गया। नाश्ता वगैरह करूँगी, उसके बाद कुछ एडिटिंग वगैरह करूँगी और रील्स बनाऊंगी। तो आप लोग अगर मेरी रील्स देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब अबाउट सेक्शन में मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी दिया हुआ है। तो मेंशन में मैंने ये मीशो से मंगाया है, 465 समथिंग का है। अभी मीशो पे बहुत सारा ऑफर है तो आप अगर लेना चाहते हैं तो आप जाके ले सकते हैं। तो आज का मैं मॉर्निंग रूटीन मेरा ऐसे ही चल रहा है। मेरा बेटा मेरे लिए तरबूज काट रहा है। मैं बोली रोज तुम लोग को मैं कट करके खिलाती हूँ, बेटा आज मुझे भी कट करके खिलाओ। तो यार गन्नू मेरे लिए तरबूज काट रहा है। हेलो, तो अभी मुझे खाना भी बनाना है। बज गए हैं 11 और गर्मी तो अभी भी बहुत है फ्रेंड, गर्मी का तो मैं बता नहीं सकती हूँ। तो दोस्तों अब मैं खाना बना लेती हूँ। तो मैं आज बना रही हूँ खिचड़ी, क्योंकि आज शनिवार भी है और हमारे घर में सभी को बहुत पसंद भी है। तो मैं सिंपल तरीके से बनाती हूँ, बस दाल चावल डाल के नमक हल्दी और मसाले वगैरह डाल के थोड़ा सा ऑयल डाल देती हूँ और 1 से 2 सीटी लगा के बस तड़का लगा देती हूँ। तो मैं इसी तरह खिचड़ी बनाती हूँ फ्रेंड, और हमारे घर में सबको बहुत पसंद है। और थोड़ा सा सोयाबीन भी डाल देती हूँ। तो अब मैं जल्दी से खाना बना लेती हूँ फ्रेंड। तो फ्रेंड, अगर आप सिंपल तरीके से खिचड़ी बनाए हो और तड़का उसमें अच्छा लगा दो, बहुत ज़्यादा टेस्टी बन जाता है। तो मैं यहाँ लहसुन, मिर्च, जीरा और थोड़ा सा हींग और थोड़ा सा इसमें गरम मसाला पाउडर डाल दूँगी। और खिचड़ी इतनी टेस्टी बनी थी भी फ्रेंड कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो हमारे यहाँ बस खिचड़ी, दही और चिप्स खाते हैं। तो ये हमारा खाना बिल्कुल बन गया है। थोड़ा सा मुझे चिप्स छानना है फ्रेंड। फ्रेंड देखिए मेरे यहाँ अभी 3:30 बज रहे हैं और देखिए कितनी रात हो गई है। और देखिए यहाँ का मौसम का हाल चाल। और देखिए अभी 3:30 बज रहे हैं फ्रेंड, 3:30 और 3:30 बजे यहाँ देखिए बिल्कुल अंधेरा और यहाँ बारिश हो रही है, शायद पत्थर भी पड़ रहे हैं। बिल्कुल मौसम खराब हो गया है। देखिए 3:30 बज गए हैं, 3:30 बजे इतना अंधेरा, गजब मौसम हो गया फ्रेंड, बहुत ज़्यादा। और मुझे अभी बर्तन वॉश करने हैं, देखिए इसमें सारे बर्तन पड़े हैं तो मैं बर्तन वॉश करूँगी। और मैं सुबह नाश्ता भी बनाई, उसके बाद मैं बर्तन वॉश भी नहीं की। फ्रेंड मैं ये आंगन से ना बहुत दुखी हो गई हूँ। जितना भी छत का डस्ट है सब आंगन में ही इसकी पाइपलाइन है। तो इसे मुझे ठीक करवाना है। मैं सोच रही हूँ इसे ठीक करवा लूँ। और इतनी गंदगी जब आ जाती है ना, बहुत दिनों बाद इस बार बारिश हुई इसीलिए, तो अब मैं इसे साफ़ कर लेती हूँ।
तो फ्रेंड हमारे यहाँ जब बारिश होती है ना तो बहुत गंदा हो जाता है। तो अभी देखिए मैं आंगन को वॉश की हूँ, बहुत गंदा हो गया था, बहुत ज़्यादा गंदा। तो ऊपर जितने भी पौधे सब है ना उससे सारे पत्ते वगैरह आ जाते हैं। और हमारे यहाँ तो डस्ट का तो खैर मत पूछिए क्योंकि यह कोलवरी है तो यहाँ डस्ट भी बहुत होता है। तो अभी मुझे पूरे घर में डस्टिंग और क्लीनिंग दोनों करनी होगी, मतलब झाड़ू लगाऊंगी फिर पोछा लगाऊंगी। अभी क्या कर सकती हूँ, करना तो होगा ही। फ्रेंड देखिए हमारे यहाँ देखिए कितने पेड़ गिरे हुए हैं, मगर अभी और भी गिरे हुए होंगे अंदर में, पूरा टूट के गिर गया है पूरा पेड़। और बहुत बारिश होने से बहुत टेंशन हो जाता है और अच्छा भी लगता है, मौसम बहुत अच्छा हो गया है। तो दोस्तों मौसम बहुत अच्छा हो गया है तो अब मैं आ गई हूँ दूध लेने। सोचिए हमारा घर पक्का का होने के बावजूद भी मैं दुखी रहती हूँ, और ये देखिए ये लोग कच्चे मकान में रह के भी खुश हैं। तो हमें जितना मिलता है फिर भी हम खुश नहीं रह सकते। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।